चलो देखते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रॉपर्टीज की शीट है और शीट का नंबर है A126। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज़ प्रिंट आउट लेंगे। A126 आप लोगों को भी मिलने वाली है अभी 2 मिनट में। क्वेश्चन है कि कंसिडर अ थिन स्क्वायर प्लेट फ्लोटिंग ऑन अ विस्कस लिक्विड इन अ लार्ज टैंक। इस साल का क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज मच लेस देन द विड्थ ऑफ द टैंक। तो जो हाइट है वो कम है विड्थ से। ठीक, द हाइट एच ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज मच लेस देन द विड्थ ऑफ द टैंक। द फ्लोटिंग प्लेट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ यू नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। तो ये क्वेश्चन आया है और हम क्वेश्चन किया करते थे ऑयल के ऊपर प्लेट खींचने वाला, आपको याद होगा। तो एनसीईआरटी की असाइनमेंट के अंदर ही था, रात मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया था। तो ये वही उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, प्लेट को खींच रहे हो तो फॉर्मूला फ्रिक्शन का ईटा ए डी वी बाई डी वाई, और ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये चेंज इन वेलोसिटी जीरो है और ये यू नॉट है, तो यू नॉट माइनस जीरो क्या हो जाएगा, यू नॉट। तो चेंज इन वेलोसिटी में अपर और लोअर एंड की वेलोसिटी को माइनस करना है, और हाइट अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हाइट का डिफरेंस क्या आएगा, एच। तो ये क्या आ जाएगी, अपोजिंग फोर्स आ जाएगी जो इसके ऊपर एक्ट करेगी। सो इसके अंदर आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन गिवन है, तो ए ऑप्शन है रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, राइट है। और इसका ऑप्शन जो है वो सी है। बी क्यों नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स ऑन द लिक्विड ऑन द प्लेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द प्लेट, जबकि इट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट, तो गलत है। टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक इंक्रीजेस विद वेलोसिटी यू नॉट, वो क्यों, फ्रिक्शन बढ़ेगी ना, यू नॉट बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा, एफ बढ़ेगा तो आपको जोर लगाना पड़ेगा, तो स्ट्रेस विल चेंज, कॉन्स्टेंट नहीं रह सकता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि कॉन्स्टेंट नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज चेंजिंग विद वेलोसिटी। द टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द प्लेट वेरीज लीनियरली विद द विस्कोसिटी ईटा, बिल्कुल सही है, ईटा की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी तो फ्रिक्शन बढ़ेगी, फ्रिक्शन बढ़ेगी तो आप फोर्स भी उसी हिसाब से बढ़ाओगे। तो ये आपका मल्टीपल टाइप जो है क्वेश्चन है जो इस साल आया, और जो मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 3 साल के पेपर में प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन आए, पेपर वन पेपर टू में देखेंगे तो मुझे तो मिले ही नहीं 2 साल के अंदर, मतलब आप ये अंदाजा लगा लो कि मिले ही नहीं, अब इससे ऊपर तो क्या ही कहूँगा। हो सकता है कि छोड़ भी दिया हो मैंने, मुझे याद नहीं, मुझे 2 मिले, एक लास्ट टाइम करवाया था और एक ये हो गया 2। तो बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन देख नहीं पा रहा मैं एडवांस के अंदर, मेंस के अंदर हालांकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और थर्मो के अंदर से बहुत क्वेश्चन दिखे, मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट तो उनके शायद ऑल टाइम फेवरेट है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट तो पूरी की पूरी बस 2 दिन के अंदर कोना कोना छान देना है, कुछ बचने ना पाए, क्योंकि वो तो आसान भी है सबसे बड़ी बात। ठीक, तो आज मैं शीट तैयार करके लाया हूँ, इतनी शीट कल नेक्स्ट कल परसों भी करेंगे, दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ हीट अच्छा खासा। सो एक प्रॉपर्टीज के अंदर और कॉन्सेप्ट है कि ये हमने क्लास में मैंने आपको हिंट दिया था, लास्ट टाइम भी हिंट दिया था, लेकिन अब थोड़ा थ्योरी के साथ लिख दिया मैंने इसमें नोट, ताकि इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी आपके पास रहेगा ये, कि अगर आपके पास ये लिक्विड है और ये कोई एरिया है, पीछे लिक्विड है और मान लो इतना सा एरिया लिया पैच, जिसका एरिया ए है, इस पैच के ऊपर पानी ने कितना प्रेशर लगाया हॉरिजॉन्टल, ये निकालना है। तो रूल ये है कि प्रेशर एट एरिया ए, आपको क्या करना है, इस पैच का डिस्टेंस जो लेना है लिक्विड के, मान लो लिक्विड यहीं तक है सिर्फ, वो पीछे की तरफ है इसका मतलब, तो लिक्विड यहीं तक है, तो लिक्विड का वैसे रूल क्या होता है, एच रो जी निकाल के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एच रो जी डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि वाई चेंज हो रहा है। हम क्या करेंगे, हम इसमें इसका सेंटर ऑफ मास ले लेंगे, हम सेंटर ऑफ मास नहीं बोलते, इन फिगर्स में हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, तो हम इसका सेंट्रॉइड लेंगे, सेंट्रॉइड का जो भी पॉइंट होगा उसकी डेप्थ लेंगे फाइनल लिक्विड के लेवल से, जो कि सपोज कितना है वाई। तो यहां पर जो प्रेशर आएगा हॉरिजॉन्टल वो आएगा एच रो जी में, एच की जगह वाई सी, वाई सी का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड, पानी का लेवल का डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड इंटू रो इंटू जी, ये याद रखना है फॉर्मूला। इसका लंबा, इसकी लंबी स्टोरी है थोड़ी, ये सेंट्रॉइड वाले की तो मैंने कट की है, आपको बहुत हायर फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स करके एक सब्जेक्ट लगेगा, मैंने बोला था इंजीनियरिंग के अंदर आपको, पूरा पूरी किताब है,
उसमें सिखाया जाता है ये सारा, तो मतलब थोड़ा सा वहाँ का टच दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशंस हैं, वर्टिकल पे क्या प्रेशर होगा, हॉरिजॉन्टल पे क्या होगा, और आर्बिट्री शेप के अंदर कैसे काम करना है, वो फ्लूड मैकेनिक्स का काम होता है। बट हमने जो काम की चीज़ है हमने बाहर निकाल ली, हमने सेंट्रोइड से काम चलना है और हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। तो इसके में इसमें जो जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, वो प्रेशर इंटू एरिया लगेगी, प्रेशर हम निकाल लेंगे और इंटू एरिया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लिख के लाया हूँ, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ सर्कुलर पैच ऑफ रेडियस आर। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक पैच है रेडियस आर का, और पानी की डेप्थ यहाँ से कितनी है आर है, और ये रेडियस भी इसका आर है। तो आपको निकालना है इस पर कितनी फोर्स लगेगी। पहले प्रेशर निकाल लें, प्रेशर निकालने के लिए सर्कल का सेंट्रोइड यानी कि सेंटर निकालेंगे, सेंटर की डिस्टेंस क्या होगा, आर तो है ही है, साथ में आर और ऐड हो जाएगा, तो कुल मिला के टू आर हो गया, रो जी इंटू वाई की जगह टू आर। तो हमने सेंटर देखना है बॉडी का, रो जी इंटू टू आर, और एरिया कितना है इस पैच का, पाई आर स्क्वायर आंसर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोचना है। मैं और लिख के लाया हूँ क्वेश्चन, फिर देखो साइड पे इधर ऐसे साइड पे साइड पे, ये हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है। हाँ ये हाँ ये फॉर्मूला है, ये वैसे इंटीग्रेशन है कि वैसे y इंटू मतलब वो पूरी इंटीग्रेशन चलती है पूरी, तो इसका y बाई टू बच जाता है आंसर टॉप से, जैसे हमने वो किया ना एवरेज प्रेशर, ये वैसा ही कुछ चलता है इसमें। चाहिए होगा मेरे से ले लें, मैं व्हाट्सएप पे कर दूँगा, PDF की किताब है पूरी, जरूरत नहीं है, पहले ही नहीं आता और कॉम्प्लेक्स करने वाली बात है। मैं हो चुका हूँ, मैं काफ़ी मैं बहुत दूर होके आया हूँ इस फ्लूइड मैकेनिक्स में, मेरे को ऐसा लगा मैंने अपना टाइम ही ख़राब किया, ज़्यादा दूर चला गया था और पेपर में आया भी नहीं, और मैंने कुछ मज़ा नहीं आया मुझे करके, मतलब मुझे लगा कि मैं अपनी एनर्जी ख़राब कर रहा हूँ, तो बस यहीं तक मैंने इसको लिमिट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है कि सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, सिलेंडर का पोर्शन है क्वाड्रेंट बना दिया, उसके पीछे पानी है, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया सिलेंडर को, तो आपको ऐसा दिखेगा, इसके पीछे लिक्विड है। आपको क्या करना है, प्रेशर निकालना है हॉरिजॉन्टल कर्व्ड सरफेस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपने इसमें फॉर्मूला तो वही लगाना है, रो जी एच टू एरिया क्या लेते हैं, मैंने बताया था कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं लेते, क्योंकि जो पानी है वो ना अलग फोर्स लगाता है, और कुछ हॉरिजॉन्टल होती है और कुछ वर्टिकल होती है। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, तो प्रोजेक्टेड एरिया लेना होता है, और प्रोजेक्टेड एरिया इसमें ये क्या बनेगा, आर इंटू आर आर का स्क्वायर। ये क्वेश्चन वो सिलेंडर इक्विलिब्रियम वाला भी सेम क्वेश्चन है, ये वहीं से आया हुआ है, वो जो लास्ट शीट में था शायद, याद आ रहा है कौन सा क्वेश्चन। तो आपने प्रोजेक्टेड एरिया आर स्क्वायर लेना है, और डिस्टेंस क्या लेना है, हाइट क्या लेनी है इसका, सेंटर, सेंटर कहाँ मिलेगा आपको, आधा कितने आर बाई टू पे मिलेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में ये कॉन्सेप्ट लगा के आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। ठीक, चांस कम है लेकिन जिस बुक से लिया है उसमें गिवन है, तो मुझे ठीक लगा, मैंने ले लिया ये। और इसी के अंदर फिर से एक सेम क्वेश्चन है, फिर से एक पैच है या एक एरिया है, एरा शीट है जो भी है, लेफ्ट और राइट पे पानी है, इधर फोर्स F1 है इधर F2 है, नेट फोर्स बतानी है कितनी है। तो पॉइंट ये है कि चाहे लेफ्ट से लो चाहे राइट से लो, सेंटर ऑफ मास तो वहीं टिकेगा, तो सेंटर ऑफ मास के लिए तो वही रोजी इंटू वाई सेंटर ऑफ मास होगा, चाहे लेफ्ट से लो चाहे राइट से लो, और एरिया भी ए रहेगा पूरी शीट का, तो लेफ्ट और राइट का हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, तो नेट फोर्स या नेट प्रेशर क्या जाएगा, सेम। ठीक, और कभी सुने है कि प्लेट को अपने पानी में डाला, खड़े हुए पानी में, और प्लेट अपने आप इधर उधर मूव करनी स्टार्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं, वैसे ही इसका आंसर जीरो है, आप नीचे डुबोते हो तो लेफ्ट और राइट का प्रेशर हमेशा कैंसिल ही करते हैं। ये देखो अ टॉर्टोइस, ये टॉर्टोइस की पीठ है और ये चढ़ता जा रहा है दीवार के ऊपर, तो हेमीस्फेयर की तरह लग रहा है, पानी है यहाँ पर और पानी की डेप्थ यहीं से स्टार्ट है, तो इसका रेडियस आर है, तो सेंटर ऑब्वियसली आर डिस्टेंस पे होगा। तो क्वेश्चन नंबर वन है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल लो, थ्रस्ट का मतलब फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालनी है, तो रोजी इंटू वाई सेंटर ऑफ मास जो कि आर पे होगा, और एरिया क्या लेंगे, प्रोजेक्टेड लेंगे, प्रोजेक्टेड सर्कल बनेगा यहाँ पे, टॉर्टवाइज का यहाँ पर एरिया सर्कल एरिया बनेगा, तो क्या लेंगे इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एक फोर्स आ गई हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल थ्रस्ट में कुछ करना ही नहीं है, वर्टिकल थ्रस्ट क्या होगा, जीरो जी, क्योंकि वर्टिकल तो वो अप थ्रस्ट लगता है टोटल का टोटल, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सारा काम वर्टिकल में करते हैं, हॉरिजॉन्टल में करते नहीं वैसे, तो वीरो जी से सीधा ही आंसर आ जाएगा आपके पास अपवर्ड फोर्स का। और नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट है इसमें, नेट फोर्स निकाल लो, तो एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, तो नेट फोर्स क्या होगी, अंडर रूट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का वेक्टर सम, और कितने एंगल पर यह फोर्स लगेगी,
आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, मैंने किया नहीं, मैं भूल गया इसमें करना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है, टेन फाइव, जैसे पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से टेन फाइव कैन बी कैलकुलेटेड। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन करने का ये स्टाइल रहेगा, बस ये आपको एक आइडिया होना चाहिए, राइट। तो सफिशेंट है मुझे लगता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जितना हमने किया, कुछ मैंने किया, कुछ आप करोगे, तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट से स्टार्ट करते हैं।